सभी जानते हैं कि आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य के अंतर्गत 6 टू 14 इयर्स के बच्चों हेतु फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत RTE दैट्स मीन शिक्षा का अधिकार भी लागू किया गया है, जिससे निम्न वर्गीय बच्चे भी अच्छे व रेपुटेटेड स्कूल में शिक्षा प्राप्ति कर सकें। तो चलिए क्या है इसके रिगार्डिंग अपडेट जान लेते हैं। RTE के पंजीकरण हुए शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से RTE के पंजीकरण के पहले चरण के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए RTE की ऑनलाइन साइट पर पंजीकरण के लिए लिंक खुल गया है। इसमें अभिभावक आवेदन की होड़ में लगे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से गरीब बच्चों को निजी स्कूल द्वारा निशुल्क शिक्षा दिलाई जाती है। इसमें बच्चों के प्रवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तक और शिक्षा संबंधी अन्य वस्तुएं निशुल्क रहती हैं। RTE राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक निजी या सरकारी स्कूलों की प्राइमरी कक्षाओं में 25% सीट ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित रहती है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1,00,000 से कम है। इसके लिए अभिभावक RTE25.gov.com साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ऑनलाइन साइट पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार से साइट पर पंजीकरण के लिए लिंक खोल दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभिभावक के आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। That means domicile and income certificate must be compulsory. तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।